अगर तीसरे का प्रसाद देता था तो कृष्ण अपना सर्वस्व सुदामा को देते थे, ऐसा कहा जाता है। तो मैं आपको ये कहता था, कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि तू बिना गुरु चरणों के नमस्कार करते हुए आया था, इसलिए तुझे आज ये भुगना पड़ रहा है। मैंने गुरु की पादुकाएं मेरे घर में रखी है और कृष्ण ने गुरु की महत्ता आज के इस दिन बताया था। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि सुदामा को कृष्ण ने बहुत सारा ऐश्वर्य प्रदान किया था तीन ग्रास खाकर, लेकिन इसके पीछे का रहस्य था वह कि उनकी पादुकाओं का प्रक्षालन करना। क्यों पादुकाओं का प्रक्षालन किया था, गुरु के पादुकाओं को किस लिए क्यों देखा था, तो इसके पीछे यह कारण था कि उन्होंने इस प्रकार अपने गुरु का मान रखते हुए पादुकाओं को सिद्ध किया था। यही बात कहते हैं कि आप इस परंपरा में रामकृष्ण परमहंस हो, विवेकानंद जी को विवेकानंद जी के परमहंस हो, इन्होंने हो, आजकल ये परंपरा चली है कि गुरु के शरीर से भी ज़्यादा गुरु पादुकाओं में श्रेष्ठता होती है। गुरु पादुकाओं में श्रेष्ठता इसलिए होती है कि कहते हैं कि दत्तात्रेय भगवान कहते थे कि मैं इस ब्रह्मांड में जहाँ भी घूमता हूँ, मैं स्वर्गलोक जाता हूँ, इंद्रलोक जाता हूँ, देवताओं के घर, सारे नदियों में, तीर्थों में स्नान करता हूँ, और वहाँ जाने के लिए मेरे चरण ही काम करते हैं, और इस चरण में मैं पादुकाओं को डालकर जाता हूँ, वन उस सारे तीर्थों का फल उन पादुकाओं में निश्चित रूप से रहता है, और वो पादुका जिस घर में रहती है और उसको आज पादुका के सिद्धि दिवस के दिन जो पादुका सिद्ध कर लेके अपने घर में रखता है, वो इस संसार का, इस संसार में गुरु कृपा प्राप्त करता है और उसके घर में सारे तीर्थों का फल होता है। कहते हैं कि गुरु जी के, गुरु के दाहिने पांव के अंगूठे में सारे तीर्थ विराजमान करते हैं। आपने आजकल के गुरुओं को तो भी देख, बहुत सारे लोग यहाँ श्रीगांव गजानन महाराज के बारे में भी जानते हैं, पुंडलिक नाम का उनका एक शिष्य था और उनके सपने में जाकर गजानन महाराज ने उसको पादुकाएं प्रदान की थी और वो एक श्रेष्ठ भक्त कहलाए उनके शिष्यों में। इस प्रकार आज के दिन, आज उस गुरुपादुकाओं, गुरुपादुका सिद्धि दिवस के दिन जो भी शिष्य अपने घर में गुरुपादुकाओं को सिद्ध करते हुए अपने घर में उसका उसको स्थापन करता है और गुरु मंत्र का केवल एक माला मंत्र जब भी करता है तो उसको इस संसार में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। यही कारण है, आपने देखा होगा महाभारत में और एक चरित्र है कर्ण का। कर्ण भी अपने गुरु परशुराम के पास विद्या सीख रहे थे, विद्या सीख रहे थे, उन्होंने सारी विद्याएं सीखी, लेकिन यह कहते हुए कि मैं क्षत्रिय हूँ, गुरु के साथ झूठ बोला था। फिर भी परशुराम उनको देते थे, अगर वो सत्य बात कहते थे कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं फलाना हूँ, तो भी विद्या देते थे, लेकिन उसको लगा कि अगर मैं क्षत्रिय नहीं हूँ तो परशुराम जो मुझे विद्या प्रदान करने, धर्म विद्या प्रदान नहीं करेंगे, और उन्होंने झूठ बोलकर उस विद्या को प्राप्त किया। तब परशुराम जी को कब पता चलता है इस बात का कि परशुराम जी उसके गोद में अपना सर रखकर सोते रहते हैं और उस समय एक भ्रमर आकर, भ्रमर कहते हैं कि ये तो कहानी है बाद में, लेकिन इंद्र भगवान का पुत्र था अर्जुन, अगर द्रोणाचार्य सारी विद्याएं कर्ण को दे देते हैं तो कर्ण को जीतना बहुत ही कठिन हो जाएगा, इसको ये विद्या ना दें, इस प्रकार कैसे करें। तो वो भ्रमर बन के आए और भीष्म पितामह का जो गोद से जिसका उनका जंघा था, उस जंघा को काटने लगे, द्रोणाचार्य की जंघा को काटने लगे, अपने सारे कर्ण के जंघा को काटने लगे, तो कर्ण के जंघा से रक्त बहने लगा। जब वो भौरा काटता है तो उसको कितना दर्द होता है, लेकिन कर्ण कह रहा था कि अगर मैं आहा या ऊह कह दूँ तो मेरे गुरु उठ के खड़े, उनकी नींद को भंग हो जाएगा, उनका नींद भंग होगी तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। वो उफ आफ ना करते हुए उसको सह रहा था, लेकिन गलती ये होगी कि वो जैसा ही उस भौर काटने लगा उसका खून उनके शरीर के नीचे, परशुराम जी के शरीर के नीचे चला गया, और परशुराम जी देखते कि मेरे शरीर गीला क्यों हो रहा है, और उन्होंने जब हाथ लगा के देखा तो उनके हाथ को रक्त लगा, उठे खड़े हुए और देखा ये क्या है, तो उन्होंने देखा कि कर्ण का पूरा जंघा भंवर ने काट लिया है, लेकिन उसने उफ तक नहीं कहा। तो कर्ण से पूछते कि तू ऐसा क्यों किया, तो कर्ण कहता है कि प्रभु आपकी नींद टूट जाएगी इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। परशुराम के आंखों में भी आंसू आए, लेकिन उन्होंने कहा एक बात कही, हे कर्ण, एक ब्राह्मण या एक क्षत्रिय इस प्रकार जंघा काटने पर भी उफ ना कहते हुए नहीं रह सकता, तू इससे भी बढ़कर कोई अलग है, सच्ची बता तेरी जात क्या है और तू किसका रहने वाला, कहाँ का रहने वाला, तू किसका पुत्र है। तो कहने से रहे कि मैं दस्यु पुत्र हूँ, दासी का पुत्र हूँ, कहते हुए, लेकिन जब वो बार बार कहने लगे तो उन्होंने कहा दास, तो परशुराम कहते हैं कि तूने झूठ बोलकर मेरे पास से विद्या ली,
अगर तू झूठ नहीं बोलता तो भी मैं विद्या प्रदान करता था, लेकिन तूने गुरु से झूठ बोला है और इस विद्या को प्राप्त किया है। मैं आज तुझे श्राप देता हूँ कि तू सच्चे युद्ध में युद्ध करते समय सही समय में तू इस विद्या को भूल जाएगा। और इस श्राप कर्ण को प्राप्त करते हुए आगे चला। भीष्म बाद में कर्ण जब आते हैं और बहुत रोते हैं परशुराम के सामने, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरी गलती को क्षमा करो उन्होंने कहा। तो परशुराम को भी दया आती है और परशुराम कहते हैं कि कर्ण मैं तेरी शिष्यता को कभी गलत तो नहीं मानता, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहता हूँ कि आज अगर तुझे मेरी पूजा करनी है तो मैं तुझे मेरी पादुकाएं देता हूँ, इन पादुकाओं का तो पूजन कर, आज पादुका सिद्धि दिवस के दिन पादुका सिद्ध करके देता हूँ और इन पूजाओं इस पादुकाओं को स्थापन करते हुए तू उसकी पूजा कर, तेरे जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, मैं आशीर्वाद देता हूँ। श्राप देते हुए भी उन्होंने ये बात कही कि उनकी दुष्टता को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा। लेकिन कर्ण का दुर्भाग्य कहो, कर्ण ने कहा प्रभु जब मैं आपने इतने महान आपके व्यक्तित्व की ही सेवा की है, मैं उन पादुकाओं को लेकर क्या करूँगा, आप रखना है तो मुझे आपके पास रखो, नहीं तो मुझे पादुका नहीं चाहिए। आपने देखा कर्ण के जीवन का क्या हाल हुआ। यह कारण है कि पादुकाओं में गुरु की सारी सिद्धियां होती है और कृष्ण कर्ण के चरित्र को भी आप जानते हैं। कभी अगर गुरु अपनी इच्छा स्वेच्छा के साथ पादुका सिद्धि दिवस के दिन पादुकाएं सिद्ध करके आपको प्रदान करता है तो समझो आप भाग्यवान हैं, आपकी पीढ़ियां भाग्यवान हैं, आपके आने वाले पुत्र पौत्र भाग्यवान हैं। अगर उन पादुकाओं को आपके पास रखते हैं, आज मैं गर्व के साथ आपको कहता हूँ, ये अनिल कुमार जोशी जो तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं गुरु पादुकाओं चांदी की गुरु पादुकाएं लेकर गया था। पहली बार जब शिविर हुआ तो गुरु जी हैदराबाद आए थे और मैं हैदराबाद में छोटी सी चांदी की गुरु पादुकाएं करते हुए लेकर गुरु जी मैं ये पादुकाएं रख लेता हूँ, ऐसा पहले शिविर में जब आए थे तो मैंने पादुकाएं लेकर गुरु जी को देने के लिए गया। तब छोटे मध्य मंजिली गुरुदेव हमारे घर आए थे, पूजा हुई तो वो गुरु पादुकाएं जो मैं पूजा करके मेरे पास रख लेने की इच्छा रखता था, उन्होंने कहा ये पूजा ये पादुकाएं मुझे दे दो, माता जी को देना है। मैंने नहीं कहा, पादुकाएं दे दिए। बाद में जब गुरु पूर्णिमा आई, पानीपत में गुरु पूर्णिमा हो रही थी, तो मैंने बड़े गुरु पादुकाएं गुरु जी के चरणों की उतनी गुरु पादुकाएं ली और गुरु के पास गया और गुरु चरणों में झुककर कहा प्रभु ये पादुकाएं मैं आपको देने के लाया हूँ, ये चांदी की पादुकाएं ये आपके चरणों में समर्पित करूँ। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी और गुरु जी ने मुझे मठ में बुलाया था, मैं गया और गुरु जी के चरण गुरु जी ने गुरु पूर्णिमा के दिन पादुकाएं अपने पाँव में धारण किए और कुछ मंत्र बुदबुदाएं और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा इन पादुकाओं को उठा। मैंने उठाया, इसको अपने सर पर रख लिया और कहा इस संसार में इससे बड़ी प्रॉपर्टी तेरी नहीं, ये तेरी धरोहर है जोशी, ये तेरे पास रखना। आज भी धरोहर के रूप में वो पादुकाएं मेरे पास हैं। मैं भी तुम्हारी तरह गुरुजी शिविर करते समय इसी तरह बैठा कहीं पीछे बैठा रहता था, आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ उन गुरु पादुकाओं के बल पर आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, आज आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, उस ज्ञान को उस सिद्धि को लेकर मैं भी आपको कहता हूँ कि आप गुरु पादुका सिद्धि दिवस इन पादुकाओं को स्थापन करते हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ेगी और हर साधना में सिद्धि, आप आपका जीवन नहीं 10 लोगों के जीवन को सुधार सकने की शक्ति आपके पास रख सकते हो। इसलिए इस गुरु पादुका सिद्धि दिवस को गुरु पूर्णिमा से भी बढ़कर कहा गया है। मैं आज इस गुरु पादुका सिद्धि 30 वर्षों से बनाता हूँ, जब से मैंने उस विशिष्ट दुर्लभ सिद्धियों को देखा है। आज गुरु पादुकाओं के पादुकाओं को सिद्ध कर जो अपने पास धारण करता है, जो अपने सर पर धारण करता है, वो अपने गुरु से बिछड़कर कभी नहीं रह सकता। वो गया भी हो तो फिर गुरु के पास वापस आएगा, जन्म जन्मों से गुरु जी उसको अपने पास रखकर रखेंगे। उन्हीं पादुकाओं को जो गुरु जी ने दिए थे वो पादुकाएं मैंने यहाँ लाई है, जो एक रक्तचंदन की पादुकाएं थी और एक चांदी की पादुकाएं थी और एक शिष्य को भी वो पादुकाएं उन्होंने प्रदान की थी। तो मैंने चांदी की पादुकाएं आश्रम में और यहाँ रक्तचंदन की पादुकाएं जो गुरु जी स्वयं पहनकर मुझे दिए थे यहाँ लाए हैं। आज आप सभी के लिए उन पादुकाओं को विधि विधान के साथ शास्त्रोक्त पद्धति के साथ जिस पद्धति को सांदीपनि महाम ने कृष्ण को दिए थे और कृष्ण ने कृष्ण मंदे जगद्गुरु कहते हुए अर्जुन आदि को देकर इस संसार में वे कृष्ण मंदे जगद्गुरु कहलाए, ऐसी उस गुरु पादुका सिद्धि का वर्णन करते हुए जिसे गुरु जी ने कहा है उन पादुकाओं को सिद्धि प्रदान करते हुए वो पूजा आपसे करवाता हूँ। आपको 5-10 मिनट का समय देता हूँ,
गुरु पादुकाएं आपके पास नहीं है तो गुरु पादुकाएं ला लें और गुरु पादुकाओं का इंत्र ला लें, मैं पूजा कराता हूँ 10 मिनट के बाद, और उन पादुका सिद्धि मेरे मैं भी पूजा करूंगा, आप उन पादुकाओं की आप भी पूजा करना, आपके सर पे भी पादुकाएं रखने के देता हूँ। इतना जरूर कहता हूँ जिसके घर में गुरु पादुकाएं आज के दिन सिद्ध की हुई पादुकाएं हैं उस घर में साधनाएं सिद्धि और किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा नहीं होती और साधनाएं उसके पीछे आती है, लक्ष्मी उसके घर में वास करती है। आपने कभी देखा होगा कि माता लक्ष्मी भी भगवान विष्णु से रूठकर इस पृथ्वी पर चले आई और भगवान विष्णु रूठकर जब कितना मनाने पर भी महालक्ष्मी उनकी बात नहीं मानी तो भगवान विष्णु आज वेंकटेश्वर बालाजी के रूप में तिरुपति में रहते हैं, ऐसा दक्षिण में कहा जाता है कि वे विष्णु के रूप में वेंकटेश्वर के रूप में आए और उन्होंने महालक्ष्मी को छोड़कर पद्मावती के साथ पद्मावती यानी लक्ष्मी के अंश को शादी कर ली और लक्ष्मी जी कोल्हापुर में आकर वैसे ही बैठ गई। तब जब कहा कि बहुत पछताने पर भी बहुत कहने पर भी उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे पर भगवान वेंकटेश कब जाएंगे, हम वैकुंठ में कब जाएंगे, तब वो कहते हैं उन्होंने कहा कि नारद को पूछने पर कि भगवान विष्णु मुझसे प्यार करें, वो पद्मावती से प्यार करते हुए आज इस कलयुग में पद्मावती के साथ गोदा देवी और दूसरों के साथ रहते हैं, मेरे से कब प्यार करते हुए मेरे साथ आएंगे, तो नारद महामुनि कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के गुरु शिव और शिव के गुरु विष्णु हैं, उस शिव की आराधना करो। और महालक्ष्मी ने बिल्व वृक्ष के नीचे उस शिवजी को गुरु मानकर साधना की और शिवजी ने कहा इस कलयुग के समाप्ति पर तुम वैकुंठ जब जाओगी लक्ष्मी प्रसन्नता के साथ तुम उसकी पत्नी बनकर रहोगी। और उस तपस्या में जब उन्होंने बैठे तो कहते हैं कि उस शिवलिंग को आज भी आप कोल्हापुर के महालक्ष्मी देखते हैं, महालक्ष्मी के सर पर वो विष्णु शिव जी का शिवलिंग है और वहाँ पूजा की जाती है, वो गुरु रूप में उसको स्वीकार करती है। जो गुरु को अपने इस दिन अपने सर पर गुरुपालकों को रख लिया और विशेष मंत्र का आह्वान किया उसके जीवन में किसी प्रकार के सातों जन्म तक गुरु गुरु प्राप्त करके जीता है, ये गुरुपाल का सिद्धि दिवस का विशेष है। अभी हम पूजा आरंभ करेंगे, आपको 10 मिनट का समय देता हूँ, आप तब तक गुरुपाल का सिद्धि के लिए जो चाहिए उस लेकर उसे सामग्री के साथ रहना। 2 भजन गुरु के सुना आह्वान मंत्र के साथ नारायण भजन करूँगा।